हाय फ्रेंड्स, वी आर गोइंग टू सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन बोल रहा है कि राइट द फ्लोइंग नंबर इन एक्सपांडेड फॉर्म। ओके, जो नंबर है इसको क्या करना है, आपको एक्सपांडेड फॉर्म में करना है। ठीक है, एक्सपांडेड फॉर्म मीन्स क्या होता है पहले ये जान लेते। ठीक है, एक्सपांडेड फॉर्म, ठीक है, एक्सपांडेड फॉर्म मीन्स होता है कि जो ये आपके नंबर है, ठीक है, जो नंबर है इसको जो होता है प्लेस वैल्यू के आधार पे क्या करते हैं, इसे एस्प्लिट करते हैं। मतलब प्लेस वैल्यू के बेस पे इसे क्या करते हैं, हम एस्प्लिट करते हैं। मींस एस्प्लिटिंग ऑफ अ नंबर जो होता है बेस्ड ऑन द प्लेस वैल्यू। अब क्या होगा प्लेस वैल्यू, क्या मैं आपको हर एक चीज समझाऊंगा। ठीक है, मतलब जो नंबर है इसको इस नंबर को आपको प्लेस वैल्यू के बेस पे स्प्लिट करना है। ठीक है, मतलब इस कहने का मतलब है कि जो नंबर है ये बहुत सारा डिजिट से मिलके बना हुआ है। ठीक है, अब आपका जो 2 जो होता है कौन से प्लेस पे है, 0 जो होता है कौन से प्लेस पे है। मतलब इसका कहने का मतलब जो इस सारे डिजिट की वैल्यू को आपको सम करें। एक्सपांडेड फॉर्म क्या होता है कि सम ऑफ द वैल्यू ऑफ ईच डिजिट, मतलब जितना भी डिजिट है आपके नंबर में उसके सभी डिजिट के वैल्यू को आप क्या करते हैं, समेशन करते हैं। मतलब मीन्स देखो, इसके पहले एक और आपको क्या जानना पड़ेगा, आपको सबसे पहले इसको सॉल्व करने से पहले आपको जानना बहुत जरूरी है इंडियन जो है प्लेस वैल्यू चार्ट। ऐसे तो विदाउट इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट से भी आपका सॉल्व हो जाएगा, बट अगर आपको याद रहता है तो आगे और आपको इजी हो जाएगा। तो देखो क्या होगा, तो देखो आपका वंस देन टेंस देन हंड्रेड, देखो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ हंड्रेड, ठीक है आप समझ जाइए ना। ठीक है, उसके बाद देन थाउजेंड देन टेन थाउजेंड्स देन उसके बाद लाख्स देन टी फॉर टेन एंड लाख्स, ठीक है LAKHS लाख्स, उसके बाद करोड़ ओके देन टेन करोर्स। ठीक है, तो देखो रेड पेन कहाँ गया जी, देखो ठीक है, वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड लाख टेन लाख करोड़ 10 करोड़ ओके। तो देखो इसको याद कैसे करोगे आप, वंस मतलब क्या होता है वन, ठीक है आप भी जानते हो किसी भी डिजिट का पावर जो होता है, अगर किसी भी डिजिट का पावर किसी भी नंबर का पावर अगर जीरो हो तो वो आपके वन ही सोच रहा है। आप वन लिखो या ये भी लिख सकते हो 10 के पावर जीरो, मतलब 10 के पावर भी जीरो क्या होता है, ये वन देता है तो वन इक्वल हो गया, तो मीन्स आप इसे 10 के पावर जीरो लिखो। ठीक है, और आप आपका आ गया टेंस, टेंस टेंस किसे लिखते आपका ऐसे ही होता है टू डिजिट मतलब आप इसे लिख सकते हो 10 के पावर वन, मतलब किसी भी नंबर का पावर अगर वन हो तो सेम नंबर आता है उसे। देखो 100 में 10 के पावर टू, मतलब वन लिख के डबल दो जीरो, इसका मतलब दो जीरो इसका मतलब वन जीरो, एंड 1000 में 10 के पावर थ्री, उसी तरह 10 के पावर 10000 में फोर, लाख में 10 के पावर फाइव, एंड 10 लाख में 10 के पावर सिक्स, एंड करोड़ में 10 के पावर सेवन, एंड 10 करोड़ में 10 के पावर 8, मतलब 1 लिख के 8 जीरो हो जाएगा इसका मतलब होता है। ठीक है, तो देखो अब आपको क्या करना है कि किस नंबर को एक्सपांडेड फॉर्म में करना है। तो सपोज हम नंबर लेते हैं 6 8 4 5 0 एंड देन 2, तो देखो तो ये आपका क्या चीज पे है, 1 पे है, वंस पे है, एंड देन टेंस पे है, ये आपका 1000 पे है, ये आपका 10000 पे है, ये लाख पे है, ये 10 लाख पे। ठीक है, ये समझना। ठीक है, अगर देखो तो इसको कैसे लिखोगे, तो आपका इसको एक्सपांडेड फॉर्म है, तो देखो सबसे पहले क्या करना, इधर से स्टार्ट करना 6, इधर से मत आना, ठीक है इधर से स्टार्ट करना 6 into 10 लिख देना। देखो आपको लिखने के लिए क्या होता है इसको एक्सपांडेड फॉर्म में, आप क्या करना डिजिट जो डिजिट है इनटू उसके प्लेस वैल्यू ठीक है प्लस सम, फिर उस डिजिट प्लस, देखो डिजिट इनटू प्लेस
वैल्यू, इस तरह करके सारे डिजिट को उसके प्लेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करते जाना, उस उस डिजिट के आपको वैल्यू कैलकुलेट होते चला जाएगा, ठीक है। इस तरह आपको करते जाना, मीन्स यही प्लेस वैल्यू ये सारे हैं, ये सारे 10^7, 10^8, ये क्या है आपका प्लेस वैल्यू, ठीक है। तो देखो 6 × अब देखो 6 × 10^ कितना होगा फॉर 10 लाख के लिए, तो 10 लाख के लिए कितना लिखा हुआ है, ये देखो 10 लाख के लिए 10^6 लिखा है, ठीक है। ऐसे आप लिख सकते 10^6 लिख सकते हैं। सपोज समझो कि आपके पास जो था आपके मतलब भूल गए हैं कि इंडियन जो भी प्ले वैल्यू चार्ट है याद नहीं है, तो कैसे करोगे, तो आप क्या करना 6 लिख देना, उसके बाद क्या करना 10 लिख देना, उसके बाद देखना क्या करना 6 को कवर कर देना, ढक देना, और 6 के बाद कितने इस साइड जो है कितने डिजिट बच रहे हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5, तो क्या करना 10^5 कर देना, ठीक है। उसके बाद देन प्लस कर देना, या इस 6 डिजिट की क्या निकल गई, वैल्यू निकल गई, मतलब उसके डिजिट इनटू प्लेस वैल्यू गिव्स इट्स वैल्यू दे रहा, ठीक है। उसके बाद देन इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में करना, तो 8 × अब देखो 8 को ढाको, 8 के बाद कितने डिजिट बच रहा है, 1, 2, 3, 4, मतलब 10^4 आपका 4 प्लस, देखो उसके बाद आपका 4 आया, तो 4 × उसके बाद देखो कितना डिजिट बच रहा है 1, 2, 3, तो 10^3 प्लस उसके बाद 5 × तो 5 ढको, उसके बाद कितना डिजिट बच रहा है 2 डिजिट, मीन्स 10^2 प्लस 0 हो गया, ठीक है, 0 × तो 0 को ढको, उसके बाद कितना डिजिट बच रहा है, डिजिट कितना बच रहा है 1 बच रहा है, तो मीन्स 10^1 प्लस 2 के लिए देखो, तो 2 × 10, देखो इधर कितना डिजिट बच रहा है, एक भी डिजिट नहीं बच रहा है, मीन्स 2 × 10^0, जब एक भी डिजिट ना बच 0, ठीक है। यही आपका एक्सपांडेड फॉर्म है, ठीक है। अगर आपको याद रहता है ये इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट तो कोई दिक्कत नहीं याद रहता आप ऐसे भी करो। एक और देखो, सबसे पहले 6 कर देना, 6 लिख देना, उसके बाद देखना कि इससे कितना डिजिट लेफ्ट बच रहा इधर, तो 10^5, उसके बाद 8 लिखना, उसके बाद डिक्रीज 5, 4, 3, 2, 1, 0, ऐसे करके लिखते चलना, 0 तक जाना, ठीक है। उसके सेकंड क्वेश्चन हम लेते हैं, देखो सेकंड क्वेश्चन आपका 4, 0, 0, 7, 1, 8, 5, ठीक है। तो ये आपका वंस हो गया, ये आपका टेंस हो गया। मैं आपको ये सभी रिप्रेजेंट करके दिखा दे रहा हूँ कि ये जो था 8 जो है इसकी प्लेस वैल्यू क्या है इसकी, और 8 जो है किस वैल्यू पे एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। ये भी सब शो कर रहे हैं, इससे भी आपको याद हो इंडियन प्लेस वैल्यू से करो या विदाउट इंडियन प्लेस वैल्यू किसी से भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। ये आपका 100 है, ये आपका 1000 है, ये आपका 10,000 है, ये आपका क्या लाख है, ये आपका 10 लाख है, ठीक है। तो देखो, तो आपका कैसे करो एक्सपेंडेड फॉर्म में, तो देखो यहाँ पे आपका हो गया 4 × 4 × अब 10^ कितना होगा, तो मैंने बोला है कि आपको प्लेस डिजिट इनटू प्लेस वैल्यू, तो देखो 10 लाख का प्लेस वैल्यू कितना है, 10 लाख का 10 लाख आपका 10^6 है, तो अब 10^6 लिखो, या अगर नहीं याद है तो आप क्या करो 4 को ढाको और इधर डिजिट गिनो कितना है 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 10^6 प्लस इस 0 के लिए लिखो 0 × अब देखो कितना डिजिट बच रहा है 1, 2, 3, 4, 5, देन 10^5 प्लस फिर इस 0 के लिए लिखो 0 × 1, 2, 3, 4, 4, देन 10^4 प्लस 7 के लिए लिखो, देखो 7 × 10^ तो देखो 1, 2, 3 मतलब 3 प्लस जो है 1 के लिए लिखो 1 × 10^1, 2, देन 2 प्लस 5 के लिखो 5 × इधर देखो इसके बाद कोई डिजिट बच रहा है, नहीं बच रहा है, 5 × 10^0, ऐसे ही कर दो, बहुत इजी है जी। अब 3 नंबर क्वेश्चन देखो आपका 3 नंबर, ठीक है। तो 3 नंबर में है 5, 8, 0, 7, 2, 9, 4, तो ये आपका हो गया 1, 10, 100, 1000, 10,000, 1,000,000, ठीक है। इसको भी इसी तरह देखो 5 × देखो इसको ढाको कितना डिजिट बच रहा है 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 10^6 करना, ठीक है। उसके बाद 8 के लिए लिखो, तो 8 × इसको ढाको देखो किनो कितना है 1, 2, 3, 4, 5, तो 10^5 प्लस 0 के लिए, तो 0 × देखो 1, 2, 3, 4 मतलब 10^4 प्लस 7 के लिए देखो 7 ×
देखो कितना बच रहा है, 1, 2, 3 मीन्स 10^3 प्लस 2 के लिए देखो, तो 2 इंटू 2 को ढको, उसके बाद कितना डिजिट बचा, 2, तो 10^2 प्लस 9 के लिए लिखो, 9 इंटू 10^ कितना होगा, तो एक डिजिट बच रहा है मीन्स 10^1 होगा, प्लस 4 आ रहा है, तो 4 इंटू जो है 4 इंटू इधर 4 को ढाको, उसके बाद कितना डिजिट, एक भी नहीं बच रहा, मीन्स 4 × 10^0 आपका एक्सपांडेड फॉर्म है। एक और क्वेश्चन आपका फोर्थ नंबर में, तो देखो आपका फोर नंबर क्वेश्चन है 50074, ठीक है, यह आपका तो वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड एंड देन टेन थाउजेंड, ठीक है, तो देखो सिंपल है, तो 5 लिखो इनटू 10 लिख दो, एंड देन देखो 5 को ढाको, उसके बाद देखो कितना डिजिट बच रहा है, 1, 2, 3, 4, तो 10^4 कर दो, प्लस इस जीरो के लिए 0 × 10^, तो कितना बच रहा है 3 डिजिट, देन 3 प्लस 0 इस जीरो के लिए, देन 0 × कितना डिजिट बच रहा है 2, तो 10^2 7 के लिए देखो, तो 7 × कितना बच रहा है 1 डिजिट, तो 10^1, अब देन 2 के लिए, तो 2 × 10^ 2 को ढाको, कितना बच रहा है एक भी नहीं, तो 10^0, यही आपका क्या है एक्सपांडेड फॉर्म है, ठीक है। तो प्लीज दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे और आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज जरूर करें, क्योंकि आपके लाइक एंड सब्सक्राइब्स ही मोटिवेट करते दोस्तों। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।